छात्रों एएसपी क्लासेस चैनल पर आपका स्वागत है। मैं भूप सिंह जेवलिया, वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत। आज हम दसवीं कक्षा के सेमुसी के विचित्र साक्षी पाठ के प्रश्न उत्तरों का अध्ययन करेंगे। अभ्यास है। एक पदेन उत्तरम लिखत, एक शब्द में उत्तर देना है। किदृशे प्रदेशे पद यात्रा ने सुखावह, कैसे प्रदेश में यात्रा करना सुखदायक नहीं है, शुभ नहीं है। किधर से कैसे, तो ये पहले दिन विजिन प्रदेश से, विजिन प्रदेश, एकांत प्रदेश में या एकांतरे प्रदेश से कर सकते हैं। अतिथि केन प्रबुद्ध है, अतिथि किससे जाग गया, तो किससे जगा है, ये पैरों की आवाज से, चोर की पैरों की आवाज से जगा है, तो अतिथि चोरस से धवनी ना, चोरस से पाद धवनी ना, चोर के पैरों की आवाज से। कृष्का एक कह आसित, दुर्बल कौन था, अभियुक्त है। न्यायाधीश कस्मै कारागार दंडम आदिष्टवान, न्यायाधीश ने किसको जेल की सजा दी, तो आरक्षी को दिया है, आरक्षिणे। ये चतुर्थी विभक्ति, तो चतुर्थी में भी उत्तर देंगे। कम निक्षा मर्त शरीरम आसित, किसके पास मर्त शरीर था, राजमार्गम सड़क पर। यदि हमें इसको पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है, तो जो ये प्रश्नवाचक शब्द है इनको हटा के ये एक एक शब्द लिखकर पूरी लाइन लिखेंगे तो ये पूर्ण वाक्य में हो जाएगा। अधोलिक प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषा लेखन। निर्धन जन कथम वितम उपार्जितवान, निर्धन व्यक्ति ने कैसे धन कमाया, तो कथम की जगह हटा के क्या लिखेंगे, भूरी परिश्रम में, बहुत परिश्रम में, बहुत परिश्रम से धन कमाया। जन किमर्थम पदाति गच्छति, व्यक्ति किस लिए पैदल गया जाता है, तो इसकी जगह हम क्या करेंगे, कार्यसत्थेन पीड़ित है, धन के अभाव से या धन से अभाव है, जन धनस्य अभाव पदाति गच्छति, या पाठ के अनुसार जो बीच की लाइन लेनी है उसमें, कार्सन पीड़ित है पदाति गच्छति। प्रसृति निशांधकारे सह किम अचिंत्यत,
फैले गए अंधकार में उसने क्या सोचा? तो प्रसरिते निशाकारे सह अचिंत्यत यत विजने परदेशे यात्रा ने सुभावह। एकांत प्रदेश में अंधकार में क्या है, यात्रा कल्याणकारी नहीं है, शुभ नहीं है। वस्तुतः चोर कह आसित, तुम कोई किसी के लिए क्या, चोर कौन था, आरक्षी, इसकी जगह आरक्षी लिखेंगे। जनस्य क्रंदनम निसम्मे आरक्षी किम उक्तवान, व्यक्ति के क्रंदन को, चीख को सुनकर आरक्षी चौकीदार ने क्या कहा? तो जनस्य क्रंदनम निसम्मे आरक्षी उक्तवान, किम को हटा देंगे, उक्तवान यत रे दुष्ट है, अरे दुष्ट, तस्मिन दिने तव्या अहम चोरिताया मंजुषाम वारित है। रिदुष्ट, उस दिन तुमने मुझे चोरी की पेटी गर्णात वारित है। वारित रोका था। इदानीम निज करते से फल भुंकते, और भी इसमें आगे एक वाक्य है, चोरिया अभियोग यम और ये अभियोगे चोरी के आरोप में, त्रय वर्षस्य कारा गारह दंडन लप्से से, इस चोरी के आरोप में 3 वर्ष के जेल की सजा मिलेगी, प्राप्त करोगे। मति वैभवशालीन दुष्कराणी कार्यं कथम साधयति, तो मति वैभवशालीन दुष्कराणी कार्यं उपयुक्त युक्तिम अवलंबे लीलिए
लिलियव एव साधयति। उपयुक्त तरीके का सहारा लेकर खेल खेल में ही साथ देते हैं। रेखाकित पदम आधारित प्रश्न निर्माणम कुरुत। पुत्रम द्रष्टुम स प्रस्थित है। पुत्रम पुत्रम द्रष्टुम स प्रस्थित है। पुत्रम द्वितीय एकवचन है तो क्या जाएगा? पुलिंग है। कम द्रष्टुम स प्रस्थित है और प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाएगा। यहां कम लिख देंगे और ये पूरा आ जाएगा। करुणा प्रोग्रही तस्मी आश्रियम प्रायच्छत। तस्मी की जगह आ जाएगा कस्मी। चौरसे पाद धवनिना अतिथि प्रबुद्ध है। चौरसे तस्से न्यायाधीश है बंकिम चंद्र है आसित। बंकिम चंद्र की जगह कह। बहार वेदनया क्रंदंती सम कया। उभो सौत चत्वरे स्थापित वंतो पुत्र। शत्रु ये कि जिस शब्द के नीचे रेखा खींची हुई है रेखाकित है वो कौन से लिंग का कौन से विभक्ति कौन से वचन का है उसी के अनुसार हम किम शब्द का रूप है वो रखेंगे। पुत्रम पुलिंग द्वितीय एक वचन है तो हम किम शब्द पुलिंग द्वितीय एक वचन में कम आएगा लिख दिया। तस्मई पुलिंग चतुर्थी है तो कस्मई आ जाएगा। तस्मई की जगह कस्मई आ जाएगा। चौरस से पुलिंग षष्ठी एक वचन है तो कस्य आ जाएगा। बकिम चंद्र प्रथमा एक वचन पुलिंग में है तो कै आ जाएगा। बहार वेदनया वेदनया स्त्रीलिंग तृतीय एक वचन है तो कै आ जाएगा। ये स्थान है स्थान के लिए हम कुत्र का प्रयोग करेंगे या कस्मिन स्थाने तो ये कुत्र ही ठीक रहेगा। समय हो तो कदा का प्रयोग करेंगे। संख्या हो तो कति का करेंगे। विशेषता हो तो किद्रस का प्रयोग करेंगे। निर्देशानुसार उत्तरत आदेशम प्राप्य उबहु अचलताम अत्र किम कर्तृपद। आदेश प्राप्त करके दोनों हूं चल पड़े। कर्ता कौन है क्रिया क्या है इसमें है चलताम चल पड़े। कौन चल पड़े उभो तो ये उभ हो जाएगा कर्ता। ये कर्ता हुआ। एतेन आरक्षिणा अधवनी यद उक्तम तत्व वर्णयामी। इस चौकीदार ने मार्ग में जो कहा वह वर्णन करता हूं। अत्र मार्गे इत्यर्थे किम पदम प्रयुक्तम। यहां मार्ग ऐसे अर्थ में किस शब्द का प्रयोग किया गया है तो इसमें एदमनी। करुणा प्रोग्रही तस्मै आश्रियम प्रायच्छत। अत्र तस्मै इति सर्वनाम पद कस्मै प्रयुक्तम। दयालु गृहस्थी ने उसे आश्रय दे दिया। किसे दे दिया किसके लिए आया ये अतिथि को दिया है। चतुर्थी है तो चतुर्थी आ जाएगी अति थई। ततो असौ तौ अग्रिम दिने उपास्थितुम आदिष्टवान। अस्मिन वाक्ये किम क्रिया पदम। तब उसने दोनों को अगले दिन उपस्थित होने के लिए आदेश दिया तो आदिष्टवान ये क्रिया है। दुष्क्राणी क्रमणी अत्र विशेषे पदम किम। मुश्किल से किए जाने वाला काम तो ये है विशेषण
और ये है विशेष्य। तो विशेष्य क्या आएगा? कर्मणि। संधि या संधि विच्छेदन से कुरुत पदाति रेव पदाति ही प्लस एव, ये विसर्ग में रुत्व संधि है, विसर्ग का रे बनता है। यदि ए आ को छोड़ के कोई विसर्ग से पहले स्वर हो और बाद में हो या वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा ये रेलवे हो तो विसर्ग का रे बनता है। निशा प्लस अंधकारे, निशा अंधकारे दीर्घ संधि है, आ और ए मिलके आ बन गई। अभी प्लस आगतम यहां यण संधि हो गई, अभी ई है इसका यह बन गया और आ उसमें मिल गया, भय आधा हो जाएगा अभ्यागतम। भोजन प्लस अंते, ये ए और ये ए मिलके आ हो गया भोजनांते, चोरो अयम। ये देखो ए है, ए का अवग्रह हो गया, ये तो अयम आगे कर दो। अब इधर चोरो, तो ये है चोर है, चोरो शब्द नहीं बनना है तो ये क्या जाएगा चोर है, ये विसर्ग में उत्तव संधि है। विसर्ग से पहले ए है और बाद में ए है तो इस विसर्ग का इस ए का ओ बन जाए, ऊ बन, इसका ऊ बनता है इसके साथ ए के साथ मिलके ओ बन जाता है और बाद के ए का अवग्रह बन जाता है। ग्रह प्लस अभ्यंतर, ये ए और ए मिलके आ बन गए ग्रहाभ्यंतर। ग्रहाभ्यन त्रे लीलया प्लस एव, लीला तृतीय एक क्वेश्चन है, लीलया प्लस एव, ये ए आ के बाद में ए आते ही आई हो जाता है, वर्दी संधि होगी इसमें। यत प्लस उक्तम, यत प्लस उक्तम, ये जस्तव संधि है। प्रबुद्ध प्लस अतिथि, ये उत्तव संधि है इसी तरह से। प्रबुद्धो अतिथि उत्तव संधि। अधोलिखितानि पदानि भिन्न भिन्न प्रत्ययानि सन्ति, तानि पृथक पृथक कृत्वा निर्दिष्टानां प्रत्ययानामाद् लिखत। इसमें लेप है, लेप में ले का और पे का लोप हो जाता है ये बचता है, और कत में ते बचता है, कत्वतु में वान और तुमोन में तुम बचता है। परिश्रम में ये लिप में आ जाएगा। उपार्जितवान ये आ जाएगा कत्वतु में, उप प्लस अर्ज प्लस कत्वतु उपार्जितवान। दाप ये तुम य
ये तुमून प्रत्यय है, द्रष्टुम प्रस्थित है कत है, दृष्टुम तुमून है, विहाय पृष्ठवान प्रविष्ट है कत, आदाय क्रोशितुम नियुक्त है, नीतवान जितने वान है ये तत्वतु में है, निर्णय तुम जितने है वो तुमून में है, आदिष्टवान समागत्ते मुदित है, लेप में सब में यस एस बनता है, कत में तय और यहां तय का सह के कारण तय हो गया, कत्वतु लगते ही इसमें वान आ जाता है और तुमून में तुम शेष बचता है जिसमें तुम है वो सारे तुमून पड़ते हैं। अधोलिखितानि वाक्यानि बहुवचने परिवर्यत, हमें बहुवचन में परिवर्तित करना है। स बस यानाम विहाय पदातिरेव गंतुम निश्चयम कृतवान, तो स का स तो ते आ जाएगा, बस यानम विहाय पदार देतु गंतुम निश्चयम कृतवंत है, इसकी जगह क्या आ जाएगा कृतवान कृतवंतो कृतवंत है, चोर है ग्रामे नियुक्त है राज पुरुष है आसित, तो चोर का हो जाएगा चोरा, जैसे राम का रामा होता है चोर का चोरा, ग्रामे नियुक्त है तो नियुक्त का नियुक्ता हो जाएगा, राजपुरुष का राजपुरुषा हो जाएगा और आसित का आसन। कश्चन चोर है ग्राभ्यंतर प्रविष्ट है, तो कश्चन की जगह क्या जाएगा केचन, चोर का चोरा, ग्राभ्यंतर प्रविष्ट का प्रविष्टा, अन्य तौ न्यायालय सौ सौ पक्षम स्थापितवंत हो, तो अन्य तौ की जगह क्या जाएगा स तो ये ते आ जाएगा, ये द्विवचन है, न्यायालय सौ सौ पक्षम स्थापितवंत, स्थापित होते कोष्टकेषु दत्तेषु पदेषु यथा निर्दिष्टा विभक्तिं प्रयुज्य रिक्तस्थानानि पूरयत्। गृह शब्दे पंचमी विभक्ति, तो गृहम गृह ग्रहणी गृहम गृह ग्रहणी गृहेण गृहभ्याम गृहभ्ये ग्रहाय गृहभ्याम गृहभ्ये गृहात्,
रंग का रामात होता है तो ग्रह का ग्रहात। देखिए ये नी आ गया तो इसमें ये दय बन जाता है, इसमें ग्रहात्मक में, तो हमें इसका पंचमी ग्रहात लिखना है। ग्रस्ते आश्रय प्रयाचत अतिथि शब्दे चतुर्थी, अतिथि का अतिथय, जैसे का हरि का हरिये, तो अतिथि का अतिथय। तो प्रति पुस्तो तो न्यायधिकरण शब्द द्वितीय न्यायाधीशम, चोरी अभियोगे तो वृषत्रयस्य कारागंड कारादंडम लप्स्यसे, इदम शब्द सप्तमी विभक्ति, इदम का अस्मिन्। चोरों से प्रबुद्ध अतिथि पाद ध्वनि, पाद पैर ध्वनि आवाज ध्वनि ना, तो छात्रों ये थे इस पाठ के प्रश्नोत्तर। हम अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।